महूगंज जिले में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां एक मेडिकल स्टोर में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते 80 लाख से अधिक की दवाइयां जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दिया, पर फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले दवाइयां काउंटर अलमारी सब कुछ नष्ट हो चुका था। आग किन कारणों से लगी यह वजह अभी सामने नहीं आई है। यह हादसा मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खटखरी बाजार में स्थित साक्षी मेडिकल स्टोर का बताया जा रहा है। मेडिकल स्टोर संचालक ब्रिजकांत शर्मा निवासी धर्मपुरा रात्रि 9 बजे मेडिकल स्टोर बंद कर अपने घर चले गए। देर रात्रि पड़ोसी ने फोन किया कि आपके दुकान के अंदर से धुआं उठ रहा है। जब मेडिकल स्टोर संचालक दुकान पहुंचे तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। पर घंटों लेट पहुंची फायर ब्रिगेड के आने से पहले सब कुछ जल चुका था। मेडिकल स्टोर के बगल में रसोई गैस सिलेंडर का स्टॉक था। गनीमत रही कि आग सिलेंडर वाले कमरे तक नहीं पहुंची, अन्यथा आज एक बड़ा धमाका हो सकता था। ब्रिजकांत शर्मा, धर्मपुरा के, क्या घटना हुई है? कल रात में मैं 9 बजे यहाँ से दुकान बंद करके घर गया। इसके बाद 4 बजे यहाँ खटखरी के निवासी संजीव गुप्ता हैं, फ़ोन लगाए, फ़ोन मैं नहीं उठा पाया। फिर मेरे घर गए और मुझे बुला के लाया कि आपके दुकान में आग लगी है। फिर मैं आया, देखा, तब तक दुकान में बहुत सारे नुकसान हो चुका था। फिर फायर ब्रिगेड थाने उन्हें में फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड एक घंटे लेट से आई, आग वो फिर बुझाई, फिर हो गया, पूरे गांव की पब्लिक सब इकट्ठा थी। आग कैसे लगी? आग कैसे लगी मुझे नहीं पता, कोई जानकारी नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। कितने का नुकसान हुआ? नुकसान तो मेरा साहब 1 करोड़ से ऊपर का हुआ है। यहाँ मेडिकल स्टोर था? जी, मेडिकल स्टोर था। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चला, आग के कारण का पता नहीं चल पाया। इसकी शिकायत आपके द्वारा की गई? हाँ, पुलिस चौकी में कर दी गई। पुलिस के द्वारा क्या? जी, पुलिस द्वारा बोला गया ठीक है, अगर विवेचना करते हैं